आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेड़ोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और बेचिन हो, और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी
और उनसे कहा, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया।